आंतरिका प्राणायाम से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस प्राणायाम को कैसे करना है, इस प्राणायाम को करने से क्या लाभ मिलेंगे और इस अभ्यास को कितने देर तक करना है, इसकी बुद्धि को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी प्राणायाम को करने के पहले हम एक आसन में बैठते हैं, तो किसी सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन को एक आसन का चयन करते हैं और आपको जिस आसन में बैठने में आसानी लगे उसमें भी बैठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है कि ऐसे ही बैठ के करना है, लेकिन जब सामूहिक रूप से हम बैठते हैं तो एक रूपता लाने के लिए, एक जैसा दिखने के लिए हम एक आसन का चयन करते हैं। तो सिद्धासन का हम चयन करते हैं बाएं पैर को नीचे, दाहिने पैर को उसके ऊपर, दोनों घुटना को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे और ये दोनों हथेली को सीधा करके और अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं इस प्रकार, और बाकी तीनों उंगली को सीधा करेंगे और ये दोनों हथेली को घुटना पे लाके रख देते हैं। हथेली आसमान की तरफ खुली हो और ये हाथ जो है ना आपका टाइट नहीं रहेगा, खींचा हुआ, ये उंगली को थोड़ा सा मोड़ देते हो। अब पीठ को बिल्कुल सीधा करेंगे, कमर से लेकर के माथा तक ना 90 डिग्री की स्थिति में सीधा करके बैठेंगे। अब आंख बंद कर लीजिए, जैसा हम कहेंगे वैसा ही आप अभ्यास करिएगा। सबकी आंखें बंद हो, धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरना है और धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है और इसका अभ्यास 5 मिनट तक करना है। धीरे धीरे प्राणवायु को नासिका के द्वारा फेफड़े में, हृदय में, डायाफ्राम में भरने का प्रयास करिए और धीरे धीरे नासिका से प्राणवायु को बाहर करने का प्रयास करिए। अब मिलकर के अभ्यास करते हैं। यहाँ के बंद हो, सांस भरते और छोड़ते समय सबका ध्यान प्राण वायु पर, प्राण कैसे हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैसे प्राण हमसे बाहर निकल रहे हैं। 5 सेकंड तक सांस को भरना और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना। केवल 5 मिनट तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। दिन भर कमाते हैं हार तोड़ करके, पसीना बहा बहा करके और बीमार हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, तो दिन भर की जो पसीने की कमाई है वो हम दवाओं में गवा देते हैं। एक तो दिन भर कमाया और दिन भर कमाने के बाद जो पैसा मिला सब दवाओं में फूंक डाला, अस्पतालों में डॉक्टरों के यहाँ दे डाला। परमात्मा से प्रार्थना है कि हे परमात्मा, इस गांव के एक एक व्यक्ति कभी रोगी ना हो, व्यक्ति ही नहीं बल्कि इस गांव में रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर कोई बीमार ना हो, ऐसी प्रार्थना, ऐसी मंगल कामना। धीरे धीरे सांस भरिए, सांस को भरते और छोड़ते समय मन में किसी तरह का विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। आप मन ही मन गायत्री मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
जब आप सांस को भरे तो ओम का भी मानसिक जप कर सकते हैं, बिना बोले अजपा जप, मन ही मन सांस को छोड़े भी तो ओम का जप कर सकते हैं। ध्यान हमारा विचलित नहीं हो, ध्यान हमारा इधर से उधर जाए नहीं। अब ये जो आदमी 5 मिनट तक धीरे धीरे सांस भरेंगे, केवल 5 दिन ऐसा करके देखिए, जिनको दमा की बीमारी है, जिनको हाथ की बीमारी है, जिनको सीढ़ी पर चढ़ने से काम करने से दम फूलता है, हार्ट में हृदय में किसी प्रकार की समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट अटैक होने की संभावना है, चर्म रोग की समस्या है, बांझपन नपुंसकता की समस्या है, सफेद दाग की समस्या है, खुजली की समस्या है, एक्जिमा से लेकर के सोराइसिस से लेकर के दांत विनायक की समस्या है, आप केवल भस्त्र का प्राणायाम करके आप दूर कर सकते हैं। आप सोचते होंगे ये कैसे होगा, केवल सांस भरने और छोड़ने से क्या होगा। आप महसूस करिए कि केवल सांस लेने से हम जिंदा रहते हैं और सांस छोड़ने से, और सांस जब रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है। आपका ध्यान केवल सांसों पर टिका रहे, सांस लेते और छोड़ते समय आपका ध्यान न घर पे, न परिवार पे, न खेती पर, न गाय भैंस पे, न दुकान पर, न व्यवसाय पर, न नौकरी पर हो, केवल और केवल ध्यान आपका सांसों पर हो। आप जो काम करें और जहाँ शरीर रहे वहीं पर भी अपने मन को टिका के रखिए, तब जाकर के आपका लाभ अपेक्षित हो पाएगा। धीरे धीरे आंखों को खोलिए और इस अभ्यास को विराम करते हैं। ओम।